आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कस्टम फॉर्मेटिंग, जिसका लिंक हमने आपको दिया था, राइट। तो मैं आशा है कि आप लोगों ने लिंक को पढ़ लिया होगा, बिल्कुल तो चलिए उसी को हम स्टेप को फॉलो करते हैं। सबसे पहले बात जानिए कस्टम फॉर्मेटिंग क्या है। सर हम नंबर लिखना चाहते कुछ और है और शो कुछ और करना चाहते हैं, दैट कॉल कस्टम फॉर्मेटिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चेक नंबर लिखना चाहता हूँ, जब मैं 00 लिखता हूँ तो एक्सेप्ट नहीं करता है, जिसके लिए मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि मैं यहाँ पे सिंगल कोट लगा के 00123 लिखूं। तो टाइप करते समय तो हम कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी ने आपको टाइप करके भेजा है, उसमें उसने 0 लगाया ही नहीं। अब मुझे इसको प्रिंट आउट लेना है और 6 डिजिट मेंटेन करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए यहाँ हम जाते हैं अपने डेटा में, कस्टम पे आते हैं और यहाँ पे 10 टाइम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा 10 टाइम नहीं, 6 टाइम होगा ना, 6 डिजिट होता है ना सर, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 0 0 0 8 5 ये सर्च देते हैं। तो एक्चुअली में आपके पास जो है, एक सेकंड, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 00 00 8 5 यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो एक्चुअली में ये आपका 8 5 ही है, बट विजुअल 00 00 8 5 है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि कहीं किसी जगह पे आपको सिंगल कोट लगा हुआ 8 5 आ गया, तो अब दोनों देखने में एक जैसा है, बट अगर मैं इन दोनों को मैच करता हूं तो दोनों का रिजल्ट जो है वो नहीं होगा, फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 8 5 है, बट ये 0 0 0 0 8 5 है, तो मुझे दोनों को सेम चाहिए। तो आप टेक्स्ट फॉर्मूला लगा दें और आप सेलेक्ट कीजिए वैल्यू को, और जो इन्वर्टेड कॉमा में जो हमने कस्टम फॉर्मेटिंग में कोड दिया है ना 6 टाइम 0, वही यहाँ पे देंगे, तो टेक्स्ट फॉर्मूला प्रिंट कर देगा। अब आप दोनों को मैच करेंगे तो दोनों आपस में बराबर दिखेगा। तो वी लुक अप काउंट इफ एसएसईओ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब टेक्स्ट फॉर्मूला क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि जो हमने नॉर्मल फॉर्मेटिंग किया है वो नॉर्मल फॉर्मेटिंग इस पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि नॉर्मल फॉर्मेटिंग सिर्फ विजुअल चेंज करता है, ओरिजिनल नहीं। तो ओरिजिनल आने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उसी तरह से मैं अगर मान लीजिए कि मोबाइल नंबर लिखता हूं और मोबाइल नंबर में मैं +91 देता हूँ, 8802579388, तो वो +91 एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मैं चाहता हूं कि मैं इस पे कोई भी नंबर लिखूं तो +91 ऑटोमेटिक आ जाए। तो सिंपल सा हम देखिए, आप किसी भी टेक्स्ट के हम आगे या पीछे प्रीफिक्स या सफिक्स भी लगा सकते हैं। नॉर्मली नंबर है तो लिख दीजिए, अगर कोई टेक्स्ट है तो इन्वर्टर को आप में लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम 0 डाल दिया। अब मैं अपना नंबर लिखूंगा इसमें और जैसे एंटर मारूंगा तो +91 लिखा हुआ आएगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैंने सिर्फ 88 किया तो फिर भी वो प्लस ए दे दिया, बड़ा सा एक नंबर दे दिया, ओके राइट सर। तो मुझे ऐसा नहीं करना है, मतलब मुझे डिजिट मेंटेन नहीं करना है, सिर्फ प्रीफिक्स लगाना है या सफिक्स लगाना है। तो आप 0 के जगह पे हैश कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हैश और 0 का क्या फंदा है, इसको थोड़ा सा समझिए। समझ में आ गया। हैश क्या करेगा, जो प्रीफिक्स हमने 0 वहां पे ऐड किया, 0 नहीं आने देगा, जो नंबर हम एंटर करेंगे प्रीफिक्स के साथ में वो ऐड कर देगा। एक मिनट समझिए कि जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ है, राइट।
मुझे इस पे लिखना है एम आर पी 5465। तो अगर ऐसा मैं मैनुअल लिख देता हूँ तो इस पे किसी भी तरह के मैथ मेरे को कैलकुलेशन नहीं कर सकता, क्योंकि नंबर के साथ अगर आपने टैक्स लगा दिया तो नहीं कर पाइएगा आप, राइट। तो फिर मैं राइट क्लिक करके अगर मैं फॉर्मेट सेल पे जाता हूँ, कस्टम पे आता हूँ, अब मैंने यहाँ पे इन्वर्टर को वहां में एम आर पी लिख दिया तो सिर्फ एम आर पी दिखेगा। मुझे अगर नंबर दिखाना है, जो नंबर टाइप है वो भी दिखाना है, तो इसके आगे मुझे जीरो या फिर हैश लगाना पड़ेगा। अगर जीरो लगाता हूं तो अगर फाइव दिया तो जीरो फाइव कर देगा, डिजिट मेंटेन कर देगा, ठीक है, अपना डिजिट को मेंटेन कर देगा। लेकिन अगर मैं इसी की जगह पे हैश करता हूं तो डिजिट मेंटेन नहीं करेगा। तो जीरो और हैश में यही डिफरेंस है, बढ़िया। Yes. और किसी भी नंबर के आगे या पीछे आप प्रीफिक्स लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 500 दिया और मैं इसे में लिखना चाहता हूँ इंक्लूड टेक्स्ट, एक्सक्लूड टेक्स्ट, यहाँ पे दीजिए एम आर पी, इन्वर्टर कॉमा में एम आर पी, और इसमें हमने दे दिया हैश या जीरो, और यहाँ पे दे देता हूँ एक्सक्लूड टेक्स्ट, ठीक है सर। ठीक है, अब बारी आती है कि अगर मैं ये अकाउंट नंबर लिखना है तो जनरली अकाउंट नंबर कितने डिजिट का होता है? आई थिंक 10 11 डिजिट का होता है, 11 या 12 का होता है। और 10 डिजिट तक हमने लिखा तो ले लिया, 11 डिजिट भी किया फिर भी ले लिया, जैसे 12 डिजिट होगा तब किया जाएगा, 12 डिजिट का भी होता है, 14 डिजिट का भी होता है, ये आ गया आपका इस तरह का सैलरी कोड। और इसको नंबर को शो करना है तो कस्टम पे जाए, सिर्फ एक हैश या जीरो दे दे, आपका नंबर शो कर देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हैश या नंबर जो आप डालते हैं 14 डिजिट तक दिख रहा है, 15वां डिजिट भी आपको दिखेगा, 16वां डिजिट जैसे ही डालेंगे, मान लीजिए 8 डाला तो वो जीरो बन जाएगा। तो एक्सेल के अंदर में आप कोई भी नंबर 15 डिजिट से ज्यादा नहीं डाल सकते, 15 डिजिट से ज्यादा जो भी डालेंगे वो ऑटोमेटिकली जीरो बनता चला जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा क्यों होता है इस चीज को समझ लीजिए, ऐसा होने का रीजन ये है क्योंकि आपका एक्सेल जो है कैलकुलेशन जो है वो 14 डिग्री से ज्यादा का नहीं रखता, ठीक है सर, 15 डिग्री से ज्यादा की कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, इसलिए ये आपका नंबर फॉर्मेट में यही आता है, इससे ऊपर चाहिए तो फिर आपको कस्टम फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, नहीं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, नॉन कैलकुलेटिव टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आप 32,000 समथिंग डाल सकते हैं, बट उसमें कैलकुलेशन नहीं होगा, कैलकुलेशन करने के लिए नंबर आना पड़ेगा और नंबर के लिए जाहिर सी बात है नंबर फॉर्मेट में होना चाहिए। तो 15 डिजिट पे जैसे आपने हैश लगा के वैल्यू शो करा दी थी, इसमें नहीं हो पाएगा, 15 डिजिट में नहीं हो पाएगा ये? नहीं, ठीक है, तो टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, 15 डिजिट से ऊपर होगा तो टेक्स्ट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला ऑप्शन इसमें है हमारा
स्पेशल फॉर्मेटिंग में, जैसे कि मैं अपने डेटा पे मान लीजिए 25,000 लिखना चाहता हूं, तो यहां पे आप 1000 सेपरेटर अगर लगाना है तो उसका होता है यहां पे हैश कॉमा हैश एसेंस, 1000 आ जाता है। मुझे अमाउंट इन 1000 ही रखना है तो उसको यहां पे हम क्या करते हैं के में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट के आगे कॉमा लगाते हैं और जो कोई ऐसा लिखना है 1000 के कुछ ऐसा लिखना है तो लिख सकते हैं। मैं 26,000 लिखूंगा तो आपका यह होगा, अगर मान लीजिए मुझे 1000 प्लस करने हैं तो मैं 1000 प्लस करूंगा तो 27 के हो जाएगा। तो बिहेव जो है इसको 1 लाख करना सर, एक बार क्या 1 लाख करना है इसको, 1 लाख करेंगे तो आपका 100 के आएगा ना, 10 के आएगा ठीक है क्योंकि ये आपका सिस्टम जो है ये यूएस फॉर्मेट पे है, ठीक है, तो उससे बड़ी चलता है। अगर आप करोड़ करना चाहते हो, लाख नहीं कर सकते बट करोड़ कर सकते हो, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ कस्टम में 0.00 और यहाँ पे डबल कमा दे दीजिए, अमाउंट इन करोड़ मिल जाएगा। ये 25,36,00,000 रुपए। इसके आगे कुछ लगना चाहते हो भी तो आप लगा सकते हो, आप फ्री इसके लिए, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? अब चलिए अब डेट की बात करते हैं। अगर आपके पास डेट लिखते हैं, जिसमें आज का डेट लिखना है, आज डेट है 3rd महीना 11th तारीख डाल दिया आपने, और करेंट ईयर का डेट है तो आपको ईयर डालने की जरूरत नहीं, प्रीवियस ईयर का डेट है या नहीं तो फ्यूचर ईयर का डालना पड़ेगा। अब डेट का फॉर्मेट ये आया, अब कंट्रोल सिर्फ हैश कर दोगे तो ये फॉर्मेट आएगा। डिफॉल्ट फॉर्मेट है कि आपको यहाँ पर है कि आप फॉर्मेट ले लेकिन आप अपने हिसाब से फॉर्मेट चूज करना चाहते हो तो उसके लिए जाना होगा कस्टम में। कस्टम भी ध्यान रखिएगा कि आप अगर डी करते हैं तो ये आपका डेट आएगा, वो भी 0-1-2 के फॉर्मेट। दो बार डी करते हैं तो नहीं, वो एक बार डी करते हैं तो 1-2-3 के फॉर्मेट में आएगा, दो बार डी करते 0-1-2 के फॉर्मेट में आएगा, 0-1, 0-2, 0-3 इस तरह से। तीन बार कर देता हूं तो ये आपका याद देखिए डे का नाम आएगा शॉर्ट में, जैसे कि मंडे में MON आएगा। अगर चार बार कर दूंगा तो मंडे आएगा, उसी तरह से आप यहाँ पे लिख दीजिए मंडे 3 एंड मंथ में, सॉरी मंथ में मैं यहाँ पे मैं एम करता हूँ तो ये आपका 1-2-3 फॉर्मेट, डबल एम करता हूँ तो 0-1-3, ट्रिपल एम तो मार्च MARJN, 3 या 4 करते हैं तो कंप्लीट मार्च आएगा, और 5 बार कर दिया आपने तो सबसे पहला लेटर आएगा उसका, समझ गए। 5 से ऊपर करते हैं तो फिर फुल नेम आएगा आपको इसमें, ठीक है। अब उसके आगे बढ़ते हैं। अब उसके आगे इसमें अगर हम बात करें टाइम की बात, अब उसको अपने हिसाब से जैसे अरेंज करना चाहते हो इस तरह से अरेंज कर सकते हो। ईयर के लिए वाई होता है, ऐसे टाइम की बात करें तो 10:20 हमने डाल दिया तो यहां पे आप अगर मान लीजिए कि एच करते हैं तो आवर
एम करते हैं तो मिनट और एस करते हैं तो सेकेंड, और ए एम पी एम के लिए ए एम स्लैश ए एम स्लैश पी एम कर दीजिए, ठीक है, ए एम स्लैश पी एम कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा आपका। और अब मान लीजिए कि सिर्फ आप एच एच कर देते हो तो ये आपका आवर आएगा, राइट। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे 45 घंटे 20 मिनट कर दिया, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपका 45 आएगा, एज करने पे 24 घंटे से ऊपर का नहीं आएगा, और 24 घंटे से ऊपर का चाहिए तो इसको बड़ी ब्रैकेट में एज लिखना पड़ेगा, तब जाके वो आपका आएगा 45 घंटा, राइट सर। ओके। तो अगर मैंने 45 मिनट एंड 30 सेकेंड किया हुआ है, मुझे इसको मिनट में कन्वर्ट करना है इसमें, लेकिन नहीं दिख रहा, डेट भी दिख रहा है, तो इसमें हमें इस आवर को बड़ी ब्रैकेट में डालना होगा, और इसको एम पी एम हटा देता हूँ तो दिख जाएगा। मुझे इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टेक्स का कॉमा लगाएंगे, इसको सेलेक्ट कीजिए और इन्वर्टेड कॉमा में बड़ी ब्रैकेट में एम दे दीजिए, ये आपका मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि आप यहाँ कस्टम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो मिनट दिखेगा, मिनट होगा नहीं, मिनट दिखेगा मिनट होगा नहीं, लेकिन आप इसमें कर देंगे तो ऑलरेडी मिनट होगा, मिनट रहेगा, जरूरत नहीं है आपको कि मिनट हो, क्लियर सर। ठीक है सर। चलिए आगे इसे बढ़ते हैं। तो मिनट में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो आप टेक्स्ट फॉर्मूले से, और